ओम तनु हरि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न मूढ़ा विश्ववेदा स्वस्ति नो बृहस्पति ओं पया पृथिव्यां पयोषधि पय दिव्यांतरिक्षे पयोधा विष्णोरराटमस विष्णु क्षणत्त विष्णु वगनि देवता वाजुदेवता चंद्रमा देवता वसवो देवता आदित्या सुपेत्रका देवता विश्वानि देव सविदुरितान्परासु यद्भद्रं तन्मयासु शान्ति 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 सर्वा अरिष्ट सुशान्तिर्भव शिष्येद् बाराकल्पे वैवस्वन् मन्वन्तरे जम्बूदीपे भरतवर्षे भरतखण्डे आरावर देशान्तर्गते ओम दाऊद नगर ग्राम सभा बरगधिया क्षेत्र नामहाम। अरे आज इधर से ही होकर नहीं आई हो, आओ और संकल्प लीजिए कि इस यज्ञ को पूर्ण कराएंगे हम आखिरी तक। संकल्प सत्यत कुल मूलाय लोक कल्याण आय वातावरण परिष्कराय उज्जवल भविष्य कामना पूर्ते। एक हाथ करो, ओम संकल्प हम करिसे। कहो संकल्प, कहो संकल्प अहम करिसे। बोलो यज्ञ भगवान की, बोलो बरगदिया बाबा की, बोलो महामानव श्याम साधु की, बोलो राजेश मधुर कृष्ण भगवान की, महाराज की जय, पुराण की जय, बोलो हर हर। महाराज जी आपो हाल बढ़िया, आ जाओ भाई इधर आओ, इधर आ जाओ सामने से इधर ले आए इधर पूरे एक नहीं सात आदमी लगा। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम मंगलाये तनु हरि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जी महाराज की जय। रावण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उसके बाद विशाल दे रहे हो ठाकुर जी, ठाकुर जी तो भी यही है। अरे भाई कहीं आरती करो, आगे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ भाई चालू नहीं आया हो? कोई बात संधि इधर नहीं, उधर दिखा दे, उधर दिखा दे। संघ कहाँ? संघ ये रखो, बजाओ बजाओ, कपड़ा लगेगा ना। कहाँ है जाओ, चलो गोलो। व्यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं ददाने विशोद्गत कारणमीश्वरं वा तस्मै जैसे दोबारा फिर चालू करना जिसको दोबारा नहीं बैठ जाइए। हेलो,
बड़े बटन में उंगली ना, छोटे बटन को दाब दे दो तो यहाँ दाब दाब चलेगी। ये हमारा मतलब नीचे ले लेंगे, नीचे से नहीं नहीं यहीं से लो, जो कहे यार वहीं चलो। कोई लड़का खींचना जानता है कि नहीं? हाँ जानते हैं, काम ही आओ यार। तो मुश्किल एक हाथ सीधा फोटो लेने के लिए इसको लाल लाल पट्टी के लिए तुम दूसरे हाथ से लेकिन आगे उंगली आगे बड़े बटन में हाथ न करेंगे। बड़े बटन में हाथ हो गया ये सब मिला है। जितनी भी सराहना की जाए कम है। हमारे गुरु प्रसाद जी, प्रधान जी और ग्राम सभा के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हमारे रहे हैं, पिछले वर्ष भी लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभा करके इस यज्ञ को पूर्ण दिशा की ओर पहुंचाया था। आज हमारे बीच में परिचित करोड़ कर रहे हमारे गुरु प्रसाद जी जो भगवत कथा को सुनेंगे ध्यान से 7 दिन बराबर, क्योंकि राजा परीक्षित को जब सर्प ने काट लिया था, उनको श्राप दे दिया था उनके संगी ऋषि ने, तब राजा परीक्षित घबराए और भगवान को अपने गुरुओं को बुलाया तो बताया किसी में भागवत पुराण की कथा अगर सुनाई है तो आपके अकाल मृत्यु से आपको छुट्टी मिल सकती है। भगवान की चर्चा, भगवान का सत्संग और भगवान की कृपा सब पर नहीं बचती है। इस ग्राम सभा में इतने लोग हैं, पूरा कर्थ यात्रा में इस नंदे पर जिन माताओं बहनों बच्चों ने इस कर्थ यात्रा में अपना जीवन योगदान कर दिया महाराज जी, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता है। आप लोग महान हैं, आप लोग धन हैं, आप लोग प्रसन्नता के पात्र हैं जो आपने इस हरी धूम में छोड़ के ये सिद्ध कर दिया कि हम भी किसी कट्टर समझे से कम नहीं है। आज आप लोग आरती से जा रहा है कि आज आप लोग देवी तुल्य आज हमारे यज्ञ की कलधार है। महिलाओं ने कलश को धारण कर रखा है, सुबह नियम पूर्वक यज्ञ करें, सुबह 7 बजे यज्ञ शुरू हो जाएगा, आपकी कृपा और कोई देर नहीं होगी। शाम को 6 बजे से 10 बजे तक कथा शुरू हो जाएगी। हमें ऋषि महाराज जी के व्यास जी आ चुके हैं आपके साथ चल रहे थे, और जब आप कथा सुनेंगे तो आप लोग मुक्त हो जाएंगे। भगवान आपको सदबुद्धि दे, इसलिए टाइम बहुत कम है, कार्य ज्यादा है। हम चाहेंगे कि अपने अपने कलशों को उठा करके कम से कम यज्ञ मंडप की जगह अगर बनी हो, हाँ एक मिनट उठा लेंगे कलश को नहीं पहुंचाएंगे। इससे पहले हम प्रधान जी कहा चलेंगे, कहीं चले क्या अच्छा आ जाइए, गुरु प्रसाद जी आइए, छठिया ज्यादा आइए, छठिया ज्यादा कर रही आइए आइए, हम नाम ले जाते आइए। 5 आदमी करनी हो गया, 5 आदमी कर देना, 5 आदमी आ जाइए, गुरु प्रसाद आप भी आइए, बताइए घंटा बजे वो बोल रहे आइए बच्चे आ जाइए आ जाइए आप इधर आ जाइए 5 मिनट बाद मिल जाए पकड़े सामने
दो छह को पकड़िए पकड़िए नंबर पकड़िए आइए हमारे बीच में पर्यावरण दिवस जिन्होंने सोनिया गांधी को तक का हाथ जोड़ा लिया है आज हो रहा है सोनिया गांधी जिनको हाथ जोड़ के चली गई है बड़े बड़े डीएम बड़े बड़े एसपी जिनकी क्रांति क्रियाओं से परेशान हो जाते हैं और फोन लगा देते हैं ऐसे महाभरसराम का धोखा एक बहुत बड़े ग्राम सभा में और बगंजा ग्राम में कुछ द्वारा उनका हमेशा बना करके हम सम्मान और स्वागत करना चाहते हैं जो कर रहा था तो हमने फिर अपनी ताकत छोड़ी
हम कहा मुरारी जी ये 11 के पहले, अरे नहीं आप समझते नहीं, हम कहा 11 के पहले करके दिखा लो, लगा दो हमसे हार जीत। खैर हंसने लगे, क्या भोलेनाथ की कृपा थी बजरंगबली की कि देखिए जो हम आपके कार्यक्रम के आधे घंटे पहले आ गए, तो हम आप लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं। धन्य है गांव, धन्य है ये लोग कि इस गर्मी में इतने बड़े काज को आपने बेड़ा उठा लिया है। संजोग देखिए, अब ये हनुमान जी की हम तो समझते हैं जाने शक्ति है, ये जिसको चाहते हैं बुला लेते हैं। आज मेरी आने की कोई उम्मीद नहीं थी, मथुरा से महाराज जी आ गए कथावाचक, अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ये वास्तव में हनुमान जी में बड़ी बड़ी शक्ति है। तब तो छोटे से गांव में देव भंडारा, पिछले साल से हमने कहा कि पूरे रायबरेली जिले का सारा ठेका ये बरगदिया गांव देंगे। इस कार भाई हमें बहुत ताजुब हुआ। तो कुल मिला के आप लोग इसी तरह धर्म से जुड़े रहेंगे, बड़े काम बनेंगे। अगर आपके पास कोई ताल तरैया छोटा तालाब हो, पानी का साधन न हो, तो आप लोग चंदा लगा के उसको भरवाइए और 15 दिन में उसका चमत्कार आपके सामने आ जाएगा। 15 दिनों में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, कोई लंबा बीमार है, किसी को नौकरी पानी है, कोई मनोकामना हो, एक तालाब आप भरवा के देख लीजिए। हजारों पशु पक्षी उससे पानी पियेंगे। अगर आपको भगवान ने इतनी क्षमता दिया है, आप अपना ट्यूबवेल अपना चला के बता दीजिए। उस इतनी बड़ी तांत्रिक क्रिया है। अब आप ये पूजा पाठ जो हो रहा है इसको ये बड़ी अच्छी बात है। और चांद चलेगी, अगर आप लोग किसी तरह नहीं भरवा सकते हैं तो बाबा अपने अपने आस पास कहीं कोई हौजा वगैरह रख दो, पानी भरो, ताकि उसमें कोई ना कोई किसी को पानी से तकलीफ ना हो। और इस समय पानी का दान, जल का दान, स्वर्ण दान से अधिक है। एक मुट्ठी गिन्नी सोना भर के न दान करो, एक बाल्टी पानी दे दो कोई ऐसे जानवर को, ऐसे पशु पक्षी को जिसको पानी देने वाला कोई ना हो। तो पानी को मैं विराम दे रहा हूँ। मेरी आज की वासन यात्रा यहाँ पूरी हो गई है। कल हो सकता है हम लखनऊ जाए, तो हम फिर बीच में एक बार दो बार आएंगे, रात में रुकेंगे। जो यहाँ मोर की आवाज हमको उसके वीडियो बनानी है, तो हम शाम को आएंगे तो मोर की आवाज मिल जाएगी। सुबह में रुकेंगे, रात में महाराज जी रुक जाएंगे, है ना, और सवेरे उठ के निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ सेवा का काम चलता है। तमाम जानवर, गैया, अरे कितने जानवर आते जाते हैं, एक कोई ना कोई बीमार जानवर आता है, वही हमारी तांत्रिक क्रिया है। ये अवघव तंत्र की बहुत बड़ी क्रिया है, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। कोई अगर मुरैया है, चुकाएगा है, कोई का इलाज करवा दो, कोई का अगर आवे आचरिया पर, कोई का आना दाना जो खास हुए, कोई का चुना के देखो, एक महीने में रिजल्ट। ये तांत्रिक क्रिया है, उसमें आपको क्या लगेगा। तो हम बाली को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की तारीख 13 जून 2013, और लाउडी स्पीकर वाले से मेरा यह कहना है कि भैया एक आलन, एक यूनिट अबूजा कंपनी का और एक माइक, वो बेटा जरूर रख लो, ये तुम्हारी रोगी है। बाकी ये तो चल रहा है सर, एक ऐसा रखो तो बिल्कुल उड़ गए, कोई फल कल पल जो बोलत है ये आवाज ना आवे। ठीक, जय श्री राम। चप्पल चाल के आराम से ये निकाला, ये परिक्रमा लगा के किनारे किनारे कलश को, क्यों किनारे लगा रहोगी